तो दोस्तों आज हम बात करेंगे IEX के स्टॉक के बारे में। IEX के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। गिरावट के बाद भी यहाँ पर स्टॉक ने अपने इस प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, और अभी अगेन हमको यहाँ पे स्टॉक में लगातार तेज़ी ही देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पे स्टॉक में 2.71% की यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से भी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 149 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 156, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 163, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 169, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 175, और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 185 और 200 तक के लेवल्स भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 143 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 137 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 132 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।